हार के बाद बोले सिंधु, फाइनल में पहुंचकर फिर से हार जाना बेहद निराशाजनक। पीवी सिंधु के सिल्वर मेडल जीतने पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया पर बरसे सुनील गावस्कर, कहा मैच से पहले आप 5 दिन की छुट्टियां नहीं बना सकते, लय में आने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। 9 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में 2 बदलाव, मलान की जगह नए चेहरे ओली पॉप को मौका, कोर्ट की सुनवाई के लिए जाने वाले स्टोक्स की जगह क्रिस वोक्स टीम में शामिल। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के निलंबित बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को पछाड़कर टेस्ट बल्लेबाजी में नंबर 1 बने। करीब 3 साल बाद स्मिथ टेस्ट बल्लेबाजी में पहले पायदान से हटे। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने दी टीम इंडिया को सलाह, कहा हार के बाद अगले मैच में टीम न बदले और जीतने के लिए सभी बल्लेबाजों का योगदान जरूरी। तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 78 रन से हराया, जीत के साथ सीरीज पर 3-0 से कब्जा। बांग्लादेश ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 19 रन से हराया, बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम से हुआ फैसला, बांग्लादेश का सीरीज पर 2-1 से कब्जा। तीसरे एकदिवसीय मैच में श्रीलंका अंडर 19 टीम ने भारत की अंडर 19 टीम को 7 रन से हरा दिया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।